एक्टर सतीक कौशिक की मौत मामले में पुलिस ने बिजनेसमैन विकास मालू और उनकी पत्नी शानवी से अलग अलग पूछताछ की। इंडिया टुडे के मुताबिक शानवी से करीब 3 घंटे जबकि विकास से 4 घंटे पूछताछ की गई। पुलिस टीम ने शानवी से करीब 25 सवाल पूछे जिनमें से ज्यादातर के जवाब नहीं मिल सके। वो जांच अधिकारी के सवालों का डायरेक्ट जवाब देने के बजाय असमंजस में दिखी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सतीक कौशिक और विकास मालू के बीच 15 करोड़ रुपए की लेन देन के संबंध में शानवी ने कोई ठोस सबूत पुलिस को नहीं सौंपा। पुलिस उनके जवाब से असंतुष्ट है और दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। दरअसल शानवी मालू ने दावा किया था कि सतीश कौशिक की मौत प्राकृतिक नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। शानवी ने हत्या का आरोप अपने पति पर ही लगाया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस अब शानवी का बयान लेगी। इंडिया टुडे के मुताबिक पूछताछ के बाद शानवी ने कहा कि एक्टर की मौत से जुड़े सारे सबूत उन्होंने पुलिस को सील बंद लिफाफे में दे दिए हैं। शानवी ने कहा कि सतीश कौशिक की मौत की वजह से सिर्फ 15 करोड़ ही नहीं बल्कि और भी कई वजह हैं। अगर जांच सही तरीके से हुई तो आरोपी गिरफ्तार जरूर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।